हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी। इसमें मैंने न दूध डाला है, न मिल्क पाउडर डाला है, न मावा खोया कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी मिठाई बना के तैयार की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच जितना घी। इसमें हम घी का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे और घी को गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी मैदा। और मैदे को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जैसे जैसे मैदा भुनेगा तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। तो मैदे को मैंने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आपको इसमें घी है वो कम लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट के बाद देखिए मैदे ने घी छोड़ दिया है। मिश्रण है वो हमारा थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसको हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। ये जैसे जैसे भूनेगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और उसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना नारियल का बुरादा। और बंद गैस में हम इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मिठाई हमने मैदे से बनाई है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ दूसरा कढ़ाई लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ, जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और 1/2 कटोरी मैंने इसमें लिया है पानी। मैंने जितना मैदा लिया था उतना चीनी लिया है और चीनी का 1/2 मैंने पानी लिया है। और चीनी में उबाल आ गया है तो मैंने यहाँ डाला है 3 से 4 हरा वाला इलायची, उसको मैंने कूट के डाल दिया है। और इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। चाशनी को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है तो अब हम इसको करेंगे चेक। तो इसमें चाशनी है वो हमें हल्का 1 तार का चाशनी चाहिए, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारा परफेक्ट बना है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 तार, हल्का सा 1 तार आ रहा है, पूरा 1 तार नहीं बन रहा है, बीच में टूट रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको हम रखेंगे साइड में। और यहाँ हम लेंगे हमारा जो भुना हुआ मैदे वाला कढ़ाई और अब हम चाशनी को इसके अंदर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पूरा चाशनी डाल दिया है, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती है। तो मैंने इसमें पूरा चाशनी डाल दिया है और गैस है उसको मैंने अभी भी बंद रखा है। बंद गैस पर हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले, फिर हम गैस को ऑन करेंगे, जिससे हमें इसको मिलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसको धीमी आंच पर चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होके तैयार हो जाएगा। इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तेज़ आंच पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और मिश्रण है वो हमारा गाढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें मिश्रण नहीं चाहिए। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको हम थोड़ा सा चला देते हैं। अभी पैन है वो थोड़ा गर्म है और इसको हम ठंडा करेंगे। तो मैंने इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको मैंने ठंडा कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मिठाई बनने की कंडीशन में आ गया है। तो अब हम इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, जैसे हम इसको टच कर सकते हैं इतना ठंडा करना है, इससे ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो मिठाई बनाने में दिक्कत होगी। तो मैं इसका 1/2 भाग है वो निकाल रही हूँ। मैं इसको 2 कलर का बना रही हूँ। अगर आप 1 कलर का बनाना चाहे तो आप जब चाशनी बनाया तो उसी के साथ आप कलर डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना कलर के भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, तो मैंने 1/2 मिश्रण में ये ग्रीन फूड कलर मिला लिया है, 1/2 है मिश्रण उसको मैंने वाइट ही रखा है, उसका मैं सफ़ेद ही मिठाई बना के तैयार करूँगी। तो इसको मैंने फटाफट कर लिया है मिक्स, अब हम इसका मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, उस पर मैंने ये मिश्रण है उसको मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको मसल लिया है। और अब हम इसके छोटे छोटे भाग में इसके पीस कर लेंगे, जिसे हम मिठाई आसानी से बना लेंगे। तो मैं इसका रोल बना के तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसका बर्फी भी बना सकते हैं। अगर आप बर्फी बनाना चाहे तो कोई भी
ट्रे या प्लेट में आप इसको घी लगा के निकाल दीजिए और 10 मिनट में ये बर्फ़ी है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से ये एक रोल बना के दिखाया है, इसी तरीके से मैंने यहाँ सभी रोल बना के तैयार कर लिए है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ये चांदी वर्क, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा चांदी वर्क। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा मिठाई लग रहा है। तो अब हम इसके काटेंगे पीस। पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसा मन चाहे आप बना सकते हैं। तो मैं इसको इक्वल साइज़ में काट के ले रही हूँ। इसका साइड का पार्ट है वो मैं हटा रही हूँ जिससे मिठाई है वो हमारा देखने में अच्छा लगे। तो हम एक पीस को उठा के इसके बराबर रखेंगे और एक साइज़ में हम इसको काट लेंगे जिससे मिठाई है वो देखने में और भी सुंदर लगे। तो साइड का पार्ट मैंने हटा दिया। इसी प्रकार मैंने सारे पीसेज है वो काट के ले लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी मिठाई है वो बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारी बनके तैयार होती है। मैं आपको एक पीस है वो तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।